नमस्ते नमस्कार हेलो प्रिय, तो उम्मीद है डूइंग एब्सोल्युटली जबरदस्त। और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज एक नई जर्नी की शुरुआत होती है ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया टू बुदापेस्ट हंगरी। और 200 किलोमीटर का सफर ये तय करेंगे हम 2 घंटे 30 मिनट में मेरी फेवरेट रीजन जेट की बस में। और ये है ब्रातिस्लावा का इंटरनेशनल बस स्टॉप। तो मिलते हैं सीधे जब बस आती है, बस के अंदर देखते हैं सफर में क्या क्या देखने को मिलता है और उतर कर देखते हैं ब्रातिस्लावा से हंगरी में जाने के बाद कैसा फील होता है। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा है ब्रातिस्लावा से जाने का, क्योंकि ये लग रही है मेरे जैसे घर जैसा, क्योंकि हॉस्टल बड़ा अच्छा था, लोग यहाँ के बहुत अच्छे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे मिले और बहुत ही क्वाइट और काम सिटी। और ये बस स्टॉप है सिटी सेंटर से थोड़ा दूर, जो कि नए ब्रातिस्लावा में जहाँ पे है बड़ी बड़ी इमारतें। रिजियोजेट की ये बस लगभग 20 मिनट लेट आई थी और कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी मिलने के बाद अभी थोड़ी एनर्जी आई है। बताना मैं भूल गया था कि ये टिकट मुझे कितने में पड़ी। ये टिकट मुझे पड़ी 6.5 यूरो की, लगभग 500 रुपये। स्लोवाकिया टू हंगरी, ब्रातिस्लावा टू बुडापेस्ट, 2.5 घंटे 200 किलोमीटर, 1 कंट्री से दूसरी कंट्री और दोनों शेंगेन जोन का पार्ट है, लेकिन हंगरी की करेंसी अलग है। और इन भाई साहब ने मेरा पूरा ट्रिप कैंसिल होने से बचा लिया था, जिसका पता मुझे और आपको आगे आने वाली वीडियोस में चलेगा। सो फाइनली आधे घंटे की देरी के बाद बुडापेस्ट पहुंच चुका हूं। बस ने आधा घंटा लेट पहुंचाया और टेम्परेचर है अभी तकरीबन 15 डिग्री, थोड़ी गर्मी लग रही है इतने भारी भरकम जैकेट में। और यहाँ से अभी मुझे पकड़नी होगी मेट्रो, यहाँ की करेंसी भी चेंज है, सो करेंसी भी एक्सचेंज करानी पड़ेगी। मेट्रो स्टेशन जाऊँगा और वहाँ से एक नया एक्सपीरियंस लेना है मुझे। काउच सर्फिंग पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, किसी ने मुझे वेलकम किया है यहाँ बुदापेस्ट में रहने के लिए, तो उन भाई साहब के पास भी जाएंगे। और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नई वीडियो आएगी काउच सर्फिंग को लेकर और उसके बाद में देखेंगे हम बुडापेस्ट हंगरी कैसा है क्या है। बता दें कि सबसे सस्ती डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए शेंगेन जोन में। तो वीडियो को याद रख देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।